हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा, पूरा अंधेरा ही है। अगर थोड़ा थोड़ा लाइट में जला दी हूँ बाहर, तो अंधेरा तो है लेकिन होने वाली है सुबह, क्योंकि 6 बज रही। और ये मेरी दाल, और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ, मिक्स ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कैसे। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बर्तन साफ किए हैं, उसके बाद रोटी के लिए आटा गूंद ली, और अभी मैं सब्जी काट के सब्जी बना रही हूँ। अभी तो कोई मतलब दोनों नहीं उठे हैं, बाबू भी सोया है उसके पापा ने। देखते हैं कब तक उठते हैं, बाबू को तो उठाना पड़ेगा 6:30 बजे के करीब, उसके पापा उठ जाएंगे। बाबू अकेले अकेले सब्जी बना रही थी, तो वैसे इसीलिए आप लोग से थोड़ी बात कर ली सुबह सुबह। तेज पत्ता डालना तो भूल ही गए। यह है पत्ता गोभी और मटर और प्याज की भाजी। अभी आलू भी मिक्स करूँगी, ये भर गया था इसलिए आलू नहीं काटूंगी, तो ऊपर से भी काट के आलू भी डालूंगी। और शायद टमाटर लास्ट में मिक्स करूँगी। हम लोग का कुछ दिन से यही चल रहा है, फूल गोभी मटर बीन्स, और ये मतलब शायद अभी यही सब मिल रहा होगा। और बैगन तो अभी मैं नहीं खा रही हूँ इसलिए नहीं ला रहे हैं, नहीं शायद नहीं खाऊंगी और कभी भी। ठीक है, लग रहा है जब भी बैगन खा रही है ना तो मुझे एलर्जी हो रही है, कुछ खुजली होती है, कुछ अजीब तरह मेरे फेस में निकल जाते हैं। तो रिस्क क्यों लेना, मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे होता है कि पसंद वाली चीज़ भी आपको छोड़ना पड़ता है। बैगन भरता ऐसे ये जैसे सब्जियाँ निकल, इसमें अगर बैगन डाल दिए तो और भी बजाता है, तो टेस्ट अलग हो जाता है। तो चलिए मैं आलू काट देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ अभी से। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी सब्जी में सारे मसाले ऐड कर दिए, अभी मैं ढकने वाली हूँ, ढक के थोड़ी सी लो फ्लेम में पकाती हूँ। और इधर दाल, तूर दाल है जो पक ही नहीं रही, ये ना प्रेशर कुकर की ज़रूरत है इसको, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसी में ऐसे ही मतलब उबाल के पकाऊँ, तो ठीक है पकने देते हैं इनको। अभी मैं बाहर जा रहे हैं झाड़ू लाने के लिए, झाड़ू करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर मैं ऑफिस इधर मेरी सब्जी बन रही है और मैं अपना काम भी करते जाते शुरू। अंधेरा है, लाइट जलाएंगे। बाबू सोया है अभी तक, नहीं उठाऊंगे अभी, थोड़ी देर बाद। कैसे सोया है दोस्तों देखिए, इनका मतलब हम जब सोते हैं ना पैर इधर करते हैं, लेकिन वो उधर अभी उधर करके रखा है। बच्चे हैं, घूम घूम के सोता है इधर उधर होके। तो चलिए ये देखिए मेरा अस्त्र शस्त्र, तो चलिए मैं शुरू कर लेती हूँ, टाइम बहुत कम है, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलती, चलिए मैं कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7 बजने को, 4-5 मिनट बाकी है, और मेरे हस्बैंड चले गए
अभी बाबू की बारी है, तो सारा काम मतलब अभी तक का जितना करना है वो कंप्लीट हो गई है, और अभी बस बाबू को रेडी करना है, तो पानी गर्म कर रही हूँ उसके लिए, पूछा पूछी करने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो बस कुछ दिन से नहला, मतलब संडे को नहलाई थी, अभी ठंड भी थोड़ी सी है, सुबह सुबह तो हो रही है, तो ऐसे देख के फुर्सत देख के उसको नहलाऊंगी। अभी ऐसे कल भी मैं पूछा पूछी की थी, आज भी करूँगी। वो तो उधर भाग रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ज्यादा ही गर्म है पानी। और दोस्तों मैं सुबह सुबह, मेरा हाथ जल गया, देख सकते हैं बहुत खतरनाक जला है, कढ़ाई में मेरा हाथ लग गया, बहुत जलन भी हो रही है, मैंने दवाई भी लगाई है लेकिन कोई जलन मतलब ज्यादा तो नहीं हो रही लेकिन हो रही है, क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये सब हुआ है। यहाँ पर बाबू का यूनिफॉर्म वगैरह सारा निकाल के रखी हूँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, मैं इसको बुला के लाऊंगी अभी, इसका ज्ञान जी। ये छोटा हो रहा है, मतलब पहले का है तो अभी भी ठीक ही है लेकिन छोटा हो रहा है, ये वाला पहनाती हूँ। बेबी कम यार, बेबी दोस्तों, तो अभी मैं अपना सारा काम खत्म करके अभी यहाँ पर बैठी हूँ। कल जो कद्दू की भाजी में दिखाई थी आप लोगों को, शायद दिखाई थी कि नहीं, मुझे इतना नहीं, मैं नहीं दिखाई थी, तो एक्चुअली मैं वीडियो बनाई थी लेकिन एडिट के टाइम उसको कट कर दी थी, तो काल रात को लेके आए थे मतलब शाम को, और ये तो मुरझा गया है लेकिन अभी भी अगर नहीं बनाएंगे तो पूरा खराब हो जाएगा, इसीलिए अभी मैं बैठी हूँ इसको काटने के लिए, और साथ में ये सब भी खा रही हूँ मैं। आज की ब्रेकफास्ट में ये क्या है, कुकुम्बर और एक टमाटर है कर रही हूँ, और दूध, तो मेरी ब्रेकफास्ट यही थी आज की, और जल्दी जल्दी मैं ये काट लेती हूँ, इसके बाद नहाना है मुझे, नहाने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम ही पता नहीं चलती, पता नहीं कब टाइम हो जाती है इधर बाबू को लेने के लिए, तो इसीलिए मैं सोची कि पहले मैं इसको काट देती हूँ इसके बाद ही मैं नहाऊंगी, तो चलिए जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। सब कुछ लेके आई हूँ, साथ में टीवी भी देखूंगी, गाना, आज मन हुआ कि आज थोड़ा सा म्यूजिक देखा जाए, तो अब मैं म्यूट करी हूँ। हाँ चलो, तो जल्दी काट देते हैं, ये देखो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों कद्दू की भाजी। तो फिर गाइस मेरे पापा आ चुके हैं, देख सकते आप आए हैं। पापा आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। पापा ध्यान से वो चीज को मत छूना, नहीं तो आप गर्म हो जाओगे, क्या चीज को, कौन उस चीज को जो सा चीज को? मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ ना, देखो तो। अच्छा ठीक है। तो अभी मेरे पापा चेंज कर रहे हैं कपड़े, उसको भी दिखा रहे हो कैसे ब्लॉग बना रहे हो, वो बहुत अच्छा बना रहे हैं, आज कल पूरा भूल गए सारा कुछ, बस तो और मेरे मम्मी
जो अभी मुझे देख रही टुकड़ टुकड़ लोग भी नहीं बुला पा रहे। मैं कैमरा मैन बनना चाहता हूँ। मोबाइल को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा इधर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देख सकते हैं इधर बाबू अपना होमवर्क कर रहे हैं और इधर चल रही है डिनर बना रहे हैं आज का। आज सब्जी में आया है ये सब बैंगन और ये कच्चा केला, तो कल बनेगा ये सब मिक्स। और ये ब्रेड भी आया है बाबू के लिए, रोज़ नया नया चाहिए। तो मैं काफ़ी कुछ बना के दी, तो फाइनली ये इसका टर्न आ गया। कल मैं ब्रेड सैंडविच दूंगी और इसमें तो सब्जी है और रोटी भी है बीच में। क्या बना रहे? सब्जी। कौन सी सब्जी? ये बनेगा मिर्चा चिकन। हैं? चिल्ली चिकन? मिर्चा चिकन, चिल्ली चिकन। अच्छा, ये चिल्ली चिकन मतलब ये रोस्ट वाला चिल्ली चिकन नहीं, ये का खाली झाल होगा। क्यों? झाल मतलब करी होगा और क्या? करी मतलब झाल मतलब ज्यादा मिर्चा होगा। क्यों ऐसा? किस चीज का खुशी में इतना मिर्ची लगा रहे? खांसी हो रहा है। हैं, खांसी? अच्छा, खांसी में ज्यादा मिर्ची डालने से खांसी खत्म हो जाता है, तो ठीक है। और उधर क्या बन रहा है? उधर देसी बिरयानी। देसी बिरयानी, तो चलिए बनाइए आप। और क्या कह सकते हैं, इधर हमारा सब्जी है, भाजी बहुत ज़्यादा, कद्दू की भाजी बहुत टेस्टी बना था आज, अभी भी है, टाइम देख सकते हैं इतना हो रहा है। और ये मैं हूँ, घूम रही हूँ ऐसे ही, और बाबू इधर है, नाश्ता नहीं किया बाबू ने। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, और थोड़ा कुछ इसके लिए लेके आती हूँ, क्या खिलाना है, क्या खाएगा, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहे हैं 11 बजने वाले हैं, तो अभी तो हमारा पढ़ाई मतलब थोड़ा सा बाकी, बाबू लिख रहा है क्योंकि काफ़ी लेट से हमने स्टार्ट किए थे। और एक्चुअली मैं उसके मैम ने भेजे हैं बहुत सारे रिवीजन के लिए, तो वो सब लिख रहा था। अभी तो एनुअल एग्जाम आ रहा है ना, तो उसके लिए भी तैयारी, तो रिवीजन के लिए काफ़ी सारा भेजे थे, EBS का, इंग्लिश का, मैथ, हाँ मैथ का भी। तो वो सब लिखते लिखते काफ़ी टाइम हो गई, हमने डिनर कर लिए हैं, बस मैं ऐसे ही वो लिख रहा था, मैं खिला दी ऐसे ही, और दिन में नहीं सोए हैं तो इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है, और क्या बोलो। तो बस अभी बाबू लिख रहा है, तब तक जो कढ़ाई वगैरह है ना, तो सारा जितना भी बचा हुआ है वो सब मैं रख देती हूँ कहीं दूसरे जगह में, छोटे छोटे बाउल में, ये भी थोड़ा सा है सब, फिर मैं यहाँ पर रख दूँगी ताकि कल उठने के बाद तुरंत मैं साफ करने में लग जाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन हमारी ऐसी ही थी, बोरिंग सी, यही सब होती है रोज़ रोज़, तो बस क्या करें। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, देखिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहे, खुश रहे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।